हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी अपने बढ़ते हुए वजन से बहुत ज्यादा परेशान हैं? क्या आप लोगों के भी अंदर आलस भर चुका है, उठने का मन नहीं करता, किसी काम में मन नहीं लगता, पूरा दिन थकान महसूस होती है, या बहुत तरह की एक्सरसाइज करके भी थक चुके हैं फिर भी वो असर नहीं करती, रेमेडी भी बहुत सारे पी चुके हैं फिर भी कोई असर नहीं हो रहा, वेट कम नहीं हो रहा? अगर ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म कर दूंगी। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो देंगे। अब बात आती है, सबसे पहला प्रॉब्लम तो हमने जान ली कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको है, लेकिन दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमें रीजन को जानना बहुत जरूरी है सोल्यूशन से पहले। अगर हम रीजन को जान लेंगे तो सोल्यूशन भी हम पे फ्यूचर में इफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि हम वो रीजन दोबारा पैदा होने नहीं देंगे अपने मोटापे का। पहला चीज क्या होती है, हमारा मोटापा या कोई भी बीमारियां हमें क्यों लगती है, हमारा डाइजेशन खराब होता है। तो डाइजेशन खराब रहेगा तो आपका वजन बढ़ता ही रहेगा, कम हो ही नहीं पाएगा। और दूसरा रीजन क्या होता है, आयुर्वेद के हिसाब से अगर हमारा वात और कफ खराब है तो उसका वजन कभी भी इंसान का कम नहीं हो सकता और वो अनेकों बीमारियों से घिर जाता है। वात क्या होता है, हमारे पेट से रिलेटेड होता है, यानी हमें एसिडिटी बनने लगती है, खाने के बाद या तो लूज मोशन फील होता है या बिल्कुल कब्ज हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, हेवीनेस रहती है, ब्लॉटिंग की समस्या रहती है। ये सारी समस्या हमें होती है अगर हमारा वात खराब है तो। दूसरा कफ होता है, जिन लोगों को कफ बनता है, छाती में बलगम या रेशा जम जाता है तो उनकी नसों में ठीक से खाना या वो सांस नहीं ले पाते ऑर्गन्स, क्योंकि पूरे हमारी छाती में रेशा जम जाता है, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से खाने से मिलने वाला पोषक तत्व हमारे क्या होता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये दो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं डाइजेशन के साथ साथ, तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारी ये सारी प्रॉब्लम झटके से सॉल्व हो जाए और इसका कोई नुकसान भी ना हो हमारे शरीर पे। ये उन सारे लोगों के लिए है जो जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। फ्रेंड्स, आज बात कर रही हूँ नेचर श्योर अग्निमंथा के बारे में। अग्निमंथा वेट लॉस फॉर्मूला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ईशा खुद पतली है, कैसे एक वेट लॉस के बारे में बता सकती है? आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। कैसे मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, आपको किस बीमारी में इसको लेना है, आपके पास दूसरा सवाल आपके अंदर ये उठ रहा होगा कि हमारे इसको खाने से या लेने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, बाल ना झड़ जाए कहीं और हम बहुत ज्यादा पहले से मोटे ना हो जाएं इसको छोड़ने के बाद। ये सारे सवालों के जवाब मैं आपके दूंगी, आप वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं आपको जब ये चीज बता रही हूँ तो उसके फायदे ऐसे क्या हैं? आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पेट के अंदर जठराग्नि होती है, ये उसको रेगुलेट करता है। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, जठराग्नि वो आग होती है जो हमारे खाने को पचाने का काम करती है। आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि खाने के बाद पानी ना पिए। पानी पीने से क्या होता है, हमारे पेट की जठराग्नि शांत हो जाती है। शांत होने से हमारा डाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल स्लो हो जाता है और जो हमें खाने से पोषक तत्व मिलता है वो क्या होता है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी की जगह। तो ये हमारे जठराग्नि को रेगुलेट करती है, यानी बढ़ाती है। तो आपके अंदर शरीर के अंदर जो आलस था वो बिल्कुल चला जाएगा और साथ ही साथ आपका डाइजेशन बहुत अच्छा और सुपर फास्ट हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट इसका क्या है कि ये क्या करती है, यूरिन के थ्रू आपके वेस्ट टॉक्सिंस निकालती है। आप लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के बहुत तरह की रेमेडी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, फिर भी आप फ्रेश अप नहीं हो पाते। आपका जो वेस्ट यानी आप जो खाते हैं, आपके शरीर में जो वसा जम गया है, आपके कोलेस्ट्रॉल जम गया है, वो निकल नहीं पाता आपके अंदर से और उससे क्या होता है, आपका वेट बढ़ता रहता है। तो ये आपके बॉडी को एकदम डिटॉक्स कर देगी। अगर आप इस टैबलेट का सेवन करना शुरू करेंगे ना तो आप खुद फील करेंगे कि आप बहुत अच्छे से फ्रेश अप हो रहे हैं। यूरिन के थ्रू आपका ये सारा शरीर एकदम अंदर से वॉश आउट कर देगी, फ्लश आउट कर देगी। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है। आपको इसका अगला बेनिफिट बता देती हूँ। अगर कोई डायबिटिक है जिसको शुगर प्रॉब्लम है तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी से शक्करा को कम करती है, यानी शुगर को रिड्यूस करती है। उससे हमें फ्यूचर में डायबिटीज नहीं होती और जिनको डायबिटीज है उससे ये कंट्रोल में रहती है। इसका एक और बेनिफिट क्या है, ये आपकी आर्टरीज को क्लीन करती है जो ब्लॉकेज होती है नसों की। हमारे क्या होता है, नसें ना धीरे धीरे ब्लॉक होने लग जाती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा जम जाता है। ये हमारे ब्लड को पतला करती है और साथ में प्योरीफाई भी करती है। फ्रेंड्स, आपको मैंने इतने सारे इसके बेनिफिट बताए, अब आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट इसकी एक चीज बता देती हूँ कि ये आपके लिए हार्मफुल क्यों नहीं है, आपको नुकसान क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये FSSAI द्वारा प्रमाणित है। आपको पता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। ये किसी भी खाने के प्रोडक्ट को या दवाइयों को तभी ये लाइसेंस मिलता है जब उसमें कोई भी इंसान खाएगा और उसको कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें ऐसे किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जो किसी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। ये प्रॉपर हर्बल है, नेचुरल है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसको लेना कैसे है, खाना कब है। सबसे पहली बात, इसको लेने के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, मार्केट या किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे या केमिस्ट की शॉप से नहीं मिलेगा, तो वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ उसको ओपन करके, लेना कैसे है मैं आपको वो बता देती हूँ।
ये बॉक्स है, इसके अंदर से निकलेगा। आपको उसको ओपन करना है और सुबह खाली पेट उठने के बाद आपको 2 कैप्सूल लेने हैं लुकवॉर्म वाटर के साथ। 2 कैप्सूल आपको लेने हैं लुकवॉर्म वाटर के साथ। ऐसे ही आपको रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले 2 कैप्सूल लेने हैं। डेली के आपको 4 कैप्सूल खाने हैं। अगर आप खाएंगे तो 20 दिन में आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपको इस कोर्स को कंटिन्यू करना है कम से कम 3 महीने तक। अगर आप इसको रेगुलर खाएंगे तो बहुत सी बीमारियों से बच पाएंगे, आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा, साथ ही साथ आपका वेट लॉस करेगा। अब बात कर लेते हैं किन लोगों को नहीं खाना। ये कैप्सूल इनटेक करने हैं अगर आप 18+ हैं। जो लेडीज ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको इसको नहीं लेना, प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं लेना। बाकी हर बीमारी में हम ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ है, तो आप एक बार आप डॉक्टर से कंसर्न जरूर कर सकते हैं। बाकी हर प्रॉब्लम में इसको आप ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगा तो मैं आंसर देने जरूर आऊंगी लाइव सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।